गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे सॉल्यूशंस। ये मैं आपको कम्प्लीटली लक्ष्मी में से कराऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचबीएससी के लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और इसकी वेटेज क्या है। तो देखो, इस ये जो सॉल्यूशंस चैप्टर है, ये 4 इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 6 मार्क्स का बनता है। तो इसे देख लेते हैं। स्टार्टिंग में इसमें कुछ बेसिक टर्म्स बताई गई हैं। आई होप कि वीडियो में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगी, आपको इसमें समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत फास्टली मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं पता क्या रीजन था, बट एक स्टूडेंट ने कहा है कि आप इसे जल्दी बनाएं। सो मैं आपको इसमें फास्टली दिखा रही हूँ कि इसमें टॉपिक्स क्या हैं, सॉल्युबिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, जिसमें टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन एचबीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी क्लास टेस्ट हो रहा है या कुछ भी, तो उसमें आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से पता चल जाएंगे। अभी हम इसके सिर्फ समरी देख रहे थे, थ्योरी देख रहे थे, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके टीचर ने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए कहा है कि टॉपिक वाइज आपके इतने से इतने टॉपिक तक का टेस्ट लूंगा, या फिर कोई क्लास टेस्ट, कोई भी टेस्ट है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। सो आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन समझाने लग जाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, और इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि बुक से एक एक चीज को आप वीडियो में देखो। तो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, और ये सारे टर्म्स आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की एकदम बेसिक्स हैं। तो ये छहों की छहों टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अपनी रेफरेंस बुक है तो उसमें से देख लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप इस वीडियो में पॉज करके देख लेना, मैं आपको शो कर रही हूँ। और जितना हो सके मैं इस वीडियो को क्लियर बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं इसमें समझा नहीं पा रही हूँ, सिर्फ शो कर रही हूँ, तो इसलिए वीडियो को क्लियर ही रखेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मेन चीज तो यह है कि आपको सारी बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज एंड पीपीएम, ये आपको जो बेसिक टर्म्स हैं पता होनी चाहिए। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बना है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 4 यूरिया के ऊपर है, तो ये आप देख लेना, न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, आगे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इसमें, लगभग 10-12 इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और एनसीईआरटी के अंदर भी हैं। इन्हें वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना आप, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल समझाऊं, और न्यूमेरिकल के ऊपर आप इतना फोकस नहीं करना चाहते तो भी आपको नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे आपको पता होने चाहिए और इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए। बाकी बेसिक्स हैं, ये आपके हो जाएंगे, बस आपको इनकी डेफिनेशन और इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए। और जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखा रही हूँ, अगर आप ये भी कर लेंगे ना तो ये भी बहुत हैं, बस आप इतने ही कर लेना, क्योंकि मोस्टली जो न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं पे बेस्ड मिलेंगे आपको। इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझा के, और अलग पार्ट्स, जैसे कि एक में एमसीक्यूज करवा दिए, एक में लॉन्ग आंसर टाइप, वो मैं कभी अलग से बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी। अगर आपने कमेंट कहा, मुझे कहा कि भाई आप अलग से बनाइए, इसमें हमें समझ में नहीं आया, तो फिर मैं अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वेट करती रहती हूँ आपके कमेंट का, कब आप मुझे कहें कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और मैं कब उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं वेट करती हूँ। तो जरूर से जरूर अपने कमेंट छोड़ा करो, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे क्या चाहिए, उन्हें किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर कोई टॉपिक है तो वो समझ लिया करो, अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है कि भाई अभी तो हमें कुछ नहीं समझना, तो आप ऐसे इस टाइप से भी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो कि इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, कोई टाइम टेबल वगैरह, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और एक और बात आपको पता ही होगा कि जो लास्ट ईयर हमारे कोरोना के कारण डिलीट हुआ था, वो अब की बार भी डिलीट ही रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा डिलीट कर दे हरियाणा गवर्नमेंट तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो हमें इतना ही पता है कि जो पिछली बार डिलीटेड था वो डिलीटेड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें लक्ष्मी की बुक में सिलेबस है। तो वो डिलीटेड सिलेबस आपको हम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ वही है इसमें जो कि आपके टेस्ट में या पेपर में आ सकता है।
अब एक न्यू टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ये देखते रहना कि कहाँ से कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पता आपके टीचर ने कौन सा टॉपिक दिया हो और आप कंफ्यूज रह जाओ कि मैं कौन सा करूं। और प्लीज यार शेयर किया करो, आप अपने दोस्तों से ऐसे पीछे मत रहा करो कि भाई मुझे पता चल गया कि एचबीएससी से रिलेटेड कोई चैनल है तो मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, ऐसे मत किया करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर किया करो। एंड प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मेरे भाई सब्सक्राइबर जो हैं वो कम वीडियो देखते हैं और जो नॉन सब्सक्राइब हैं वो ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि मेरे 26% ही सब्सक्राइबर्स देखते हैं और बाकी जो भी मेरी वीडियोज़ देखी जाती हैं वो सारी नॉन सब्सक्राइबर्स के द्वारा देखी जाती हैं। तो जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो कृपया ध्यान दें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस पे हमें थोड़ा बहुत तो वर्क करना ही पड़ता है। हम अपना सारा काम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स हमें दिया करो। अब देखो यहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिस्पर्शन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें जो मेन क्वेश्चन है दैट इज डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आप देख लेना अच्छे से इसका डायग्राम। और अगर आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 5 या 6 मार्क्स का तो उसका डायग्राम जरूर से बनाना, क्योंकि टीचर की सबसे पहली नजर ही डायग्राम के ऊपर जाती है। और ऐसा नहीं कि भाई आपको लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट था या क्या था, फ्रोजन सॉल्वेंट कहाँ था, लिक्विड सॉल्वेंट कहाँ था, तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन होना तो डायग्राम कभी मत बनाना, क्योंकि अगर आपने थ्योरी में एकदम सही भी लिख रखा होगा तो भी टीचर डायग्राम को देख के उसे गलत कर देगा। अगर आपको आता हो और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तो आपको डायग्राम्स जरूर से देख लेने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम बनाने चाहिए। ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट और इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अब यहां से नया टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला क्वेश्चन 2018, 2011, 14, 17 इन सभी में पूछा गया है, तो फिर आप देख लेना। और ये देख लेना अगर आपके टीचर ने ऑस्मोसिस पूछा है तो आपको सिर्फ ऑस्मोसिस का ही लिखना है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिखना है। जो अभी मैंने आपको बताया कि इतने 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 ईयर में पूछा गया है वो ऑस्मोसिस पूछा गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ 2012 में पूछा गया था, लेकिन पूछा तो गया था, प्रीवियस ईयर तो है ही, तो आपको कर लेना है। इसमें लगभग 50-60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम, उसके बाद में एमसीक्यूज देखेंगे। वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लेना। ये ऑस्मोसिस टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक के सारे सॉल्यूशंस देख लेने हैं। इसमें हमने 49 बड़े क्वेश्चंस देखे जिनमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं में कवर हो गए हैं। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनकी आंसर के साथ में प्रोवाइड नहीं है, लास्ट में इसके प्रोवाइड है, तो मैं आपको लास्ट में ही शो करूंगी। और मैं इनकी एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको समझाऊंगी एकदम अच्छे से कि इसका ये आंसर होगा और इसका ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। दिस इज सो मच फास्ट वीडियो, तो इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर की दिखाऊंगी, क्वेश्चंस दिखाऊंगी। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो तो ऊपर जो 3 डॉट्स आते हैं वीडियो के उनके ऊपर क्लिक करके आप इसके पी यानी पिक्सल्स इंक्रीज कर लेना, लगभग 760 से अबो कर लेना या फिर 760 कर लेना, उसमें आपको क्लियर शो हो जाएगा। ये इसकी आंसर की है, अच्छे से देख लो, टिक मार्क लगा के देख लेना कि भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये इसकी आंसर की हो जाएगी। अब हम देखें वन वर्ड, इसमें भी मोलैलिटी मोलैलिटी ये है, ये वन वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई कोई ही इंपॉर्टेंट है जिसके आगे लिख रखा है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्योंकि वन वर्ड इतने नहीं पूछे जाते। और जो वन वर्ड में है ये मोस्टली आपके आगे हो चुके हैं, तो अगर आपने वो 49-50 क्वेश्चंस थे आगे वो कर लिए हैं तो आपको वन वर्ड करने की जरूरत भी नहीं है। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद आंसर्स,
स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना, वो आपकी मर्जी है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।